नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पिछले 8 महीनों से हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको लगातार सरकार द्वारा अनसुना किया जा रहा है। उनके ऊपर वो कानून थोपने की तैयारी है जो उनको चाहिए ही नहीं। हम तो इसे काले कानून का नाम देते हैं। तब तक जब तक MSP को कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक किसान रोड पर रहेगा। और इस किसान आंदोलन को लगातार बदनाम करने की कोशिश गोदी मीडिया कर रहा है। इसमें सबसे ऊपर है जी न्यूज। जी न्यूज में भी अगर हम रिपोर्टरों की बात करें तो सबसे ऊपर है सुधीर चौधरी। इन्होंने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं किसानों को बदनाम करने की। जी न्यूज के एंकर चाहे सुधीर चौधरी हो या अमन चोपड़ा, इन लोगों ने बस किसानों को गाली नहीं दी, बाकी सब कर दिया। मोदी तेरी तानाशाही। देश का किसान हिसाब लेगा। जी न्यूज का कोई भी एंकर अब किसानों और आम जनता के बीच जाने लायक बचा ही नहीं है। इसी बीच जब जी न्यूज के एंकर अमन चोपड़ा जब किसानों के बीच में गए तो उनके साथ ऐसा हाल हुआ। तो आप देख सकते हो कि जी न्यूज वाले आए हुए थे यहाँ पर, किसान किस तरह से मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए। दोस्तों सिर्फ सुधीर चौधरी और अमन चोपड़ा ही नहीं, जी न्यूज के और भी एंकर हैं जो पूरी शिद्दत से भाजपा सरकार की पत्रकारिता करते हैं। आपके पास जवाब नहीं है, यू आर डिफेंडिंग इनडिफेंसिबल। आप सीधा जवाब मेरे पास है, आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं। सर मेरा काम किसी को डिफेंड करना नहीं है, मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है और जनता के मुद्दों की अनदेखी हो रही है। और ये जो अभी आपको ये बता दूं मैं सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर पैसा खर्च होता है संसद की कार्यवाही में और वो पैसा टैक्स पेयर का पैसा है सर, तो अकाउंटेबिलिटी है। ये आपकी सियासत के लिए पैसा बर्बादी नहीं है, ये जनता के मुद्दों के डिस्कशन का पैसा है। पहले आप तकलीफ हुई थी जब बीजेपी रोकती थी, ये भाषण किसी और को दीजिए जाके, भाषण जाकर दीजिए दूसरों को, भाषण जाकर दीजिए दूसरों को। अगर बहस पर बात करना आपको नहीं आता मुकेश अग्रवाल, तो ये आपकी दिक्कत है। शर्म आप कीजिए, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आप कीजिए, आप कीजिए शर्म। आप अमर्यादित व्यवहार को जस्टिफाई कर रहे हैं, शर्म आप कीजिए सर। अब जब इनके पास जवाब नहीं है तो ये बड़ी सफाई से बहस को महिला सम्मान की ओर खींच के ले गई। ये निजी टीका टिप्पणी कहीं और जाकर कीजिएगा, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए इनका। जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है, जिन्हें बहस का मतलब नहीं मालूम, वो आकर यहाँ पर निजी आक्षेप लगा रहे हैं। क्योंकि सभी बिकाऊ पत्रकार जब भाजपा के लोग संसद में प्रदर्शन करते थे या पेट्रोल डीजल के खिलाफ सड़कों पर ड्रामेबाजी करते थे तब सब चुप रहते थे, लेकिन अब सबको इसमें विकास दिख रहा है। सिर्फ इन्हीं का ही नहीं, यही हाल हमारी रूहबिका जी का भी है। मैडम मैं कोरोना की नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 240 रुपए का जो सरसों का तेल बिक रहा है, 60 रुपए से ऊपर जाकर 60 वाला तेल 240 बिक रहा है, क्या ये कोरोना की वजह से बढ़ गया? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बताइए शांतनु जी, क्या ये कोरोना की वजह से बढ़ गया? आप बताइए ना मैडम, आपसे पूछ रहा हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, मैं बताऊंगी तो फिर आप कहेंगे रूबिका लियाकत प्रवक्ता बन गई बीजेपी की, है ना? नहीं, वो हमें कहने की जरूरत नहीं मैडम, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नहीं आप, अच्छा आपको कहने की जरूरत नहीं, आपके आपके दिल में ऐसी बात लिखी हुई है। इनके पास भी जब जवाब नहीं था तो ये अच्छा करती रह गई। भारत में चल रहे पेगासस वाले जासूसी कांड को जितनी अच्छी तरीके से भाजपा प्रवक्ता डिफेंड नहीं कर पाए अपनी पार्टी के लिए, उससे अच्छी तरीके से इन पत्रकारों ने, गोदी मीडिया के पत्रकारों ने डिफेंड किया। तो ये क्या है पेगासस, ये कैसे घुसता है? जरा नाम तो बता दे, आरोप तो बता दे, बता दे कि फसाना कहां कहां तक पहुंच रहा है। नंगा जासूस भारत की राजनीति में, कुछ लोग सुपारी एजेंट बन गए हैं। देश को सुपारी गैंग से बचाओ। विपक्ष ने इस तरह का माहौल बना दिया देशवासियों कि आपके मेरे दुनिया भर के देश भर के फोन में पेगासस नाम की कंपनी घुस गई। दुष्प्रचार देसी सुपरस्टार, जासूसी टूलकिट, विरोध का नाम अराजक का काम। 2500 मोबाइल फोन कहा गया कि सरकार घुस गई। पूरे विश्व में मतलब इंटरनेशनल साजिशें रच रहे हैं। विदेश में किसी पोर्टल पे खबर छप रही है या फिर कोई एनजीओ कोई ऐसी जानकारी दे रहा है जिसके पीछे तथ्य बड़े कमजोर है। वो कह रहे हैं इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि भारतीयों की जासूसी हुई? विपक्ष के इन तेवरों के बीच बीजेपी ने जासूसी के मामले को फेक न्यूज करार दिया है। मतलब एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि देश में कुछ और, सरकार सिर्फ एक काम कर रही है
और वो है आपके और मेरे मोबाइल में घुसने का। दोस्तों, गोदी मीडिया ने चाटुकारिता की अब सारी हदें पार कर दी हैं और यही वजह है कि अब एक एक करके इन सभी गोदी मीडिया चैनलों से इनके पत्रकार भी इस्तीफा दे रहे हैं, चाहे वो एबीपी न्यूज के रक्षित सिंह हों, कुमकुम बेनीवाल हों, या फिर हाल ही में आज तक से इस्तीफा देने वाले श्याम मीरा सिंह। एबीपी की रक्षित सिंह ने तो किसान आंदोलन के मंच से ही इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने ये बताया भी था कि किस तरीके से उन्हें सच्ची पत्रकारिता करने से रोका जाता है। और हाल ही में आज तक के जिस पत्रकार ने इस्तीफा दिया, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि किस तरीके से उन्हें काम करने से रोका जाता है। 7 महीने पहले जब मैंने आज तक ज्वाइन किया, तब भी मुझे इस बात का भान था कि मुझे क्या लिखना है, किन लोगों के लिए बोलना है। तभी से सत्ताधारी दल के समर्थकों द्वारा कंपनी को टैग कर करके लिखा जाने लगा था कि इस आदमी को, यानी कि श्याम मीरा सिंह को, आज तक से निकाला जाए क्योंकि ये मोदी विरोध में लिखता है। तो दोस्तों, ये हालत हो गई है दुनिया के 142वें नंबर के मीडिया की, यानी कि भारत के मीडिया की। किसान विरोधी चैनल मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी चैनल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इससे पहले कि सरकार आपके घर पे सीबीआई, ईडी या आईटी की रेड करे, ये सभी पत्रकार जो सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं, ये इन सभी गोदी मीडिया के चैनलों से हटकर अपनी इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कर रहे हैं और ये ही पत्रकारिता आपको फायदा भी पहुंचाएगी क्योंकि ये सीधे सरकार से सवाल पूछेगी। वरना तो आपके पास है ही सुधीर चौधरी, अर्णब गोस्वामी, अमीश देवगन, रजत शर्मा, देखते रहिए और 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदते रहिए। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।